कभी देखा है शैतानी उल्लू, लाइक पढ़ते ही बदल जाता है आंखों का रंग, देखते ही डर गए लोग। अजब गजब बर्ड्स। सोशल मीडिया में स्टेजियन आउल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें इसकी आंखों को चमकदार लाल देखा जा सकता है। देखने में डरावने लगने वाले इस उल्लू को स्टेजियन आउल, द रेड आईड डेविल्स आउल। दुनिया भर में उल्लू की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से शायद आपने कई को देखा भी होगा। क्या आपने कभी शैतानी उल्लू को देखा है, जिसका असल नाम स्टेजियन आउल होता है? वैसे तो इसकी आंखें पीली या नारंगी पीली होती हैं, लेकिन जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो उनका रंग बदल जाता है और वे भयानक रूप से चमकदार लाल दिखाई देती हैं, जिन्हें दिखते ही लोग डर जाते हैं। इसलिए इस उल्लू को शैतान से जोड़ा जाता है। अब इसी पक्षी की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर पर, इस उल्लू की तस्वीर को @rainmaker1973 नाम के यूजर ने शेयर किया है, जिसमें उसकी लाल रंग की आंखों को देखा जा सकता है। साथ ही एक इंस्टाग्राम यूजर @hidden.me ने भी इसकी तस्वीरों को पोस्ट किया है, जिनमें इस उल्लू की आंखों को लाल और नारंगी रंग से चमकते हुए देखा जा सकता है। The Stygian Owl, Asius stygius, has yellow or orangish yellow eyes, but if any light reflection happens, the color appears to be bright. स्टाइजियन उल्लू एक रात्रिचर पक्षी, नॉक्टर्नल बर्ड है। दिन के दौरान यह उड़ते नहीं है और घने पेड़ों पर बसेरा करते हैं। ये मैक्सिको, सेंट्रल और साउथ अमेरिका और कैरेबियन में पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य देशों में यह उल्लू पाया जाता है। इनको ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ घने जंगलों या घास के मैदान में रहना पसंद होता है। ये उल्लू चमगादड़, पक्षी, सरीसृप और बड़े कीड़ों का शिकार करते हैं। इसका साइंटिफिक नाम Asius stygius है। ancientnativeblog.org की रिपोर्ट के अनुसार इस उल्लू की आंखों में रिफ्लेक्टिव डिस्क होती हैं, जिनकी वजह से इसकी आंखें लाल दिखती हैं, क्योंकि दिन के उजाले के संपर्क में आने पर रिफ्लेक्टिव डिस्क प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं। इनकी आंखें मूल रूप से पीली नारंगी होती हैं, लेकिन लाइट पड़ते ही आंखों का रंग बदल जाता है। विभिन्न लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार स्टाइलिश उल्लू को उनकी डरावनी उपस्थिति के कारण शैतान का दर्जा दिया गया है। तांत्रिका इसका इस्तेमाल जादू टोना करने में भी करते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।